नमस्कार भाइयों, मैं आपको बताऊंगा शून्य निकालने का सबसे सटीक और सबसे सही तरीका। सबसे पहले तो आपने अगर हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, ठीक है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि शून्य निकालना कैसे पॉसिबल होगा और बहुत ही कम समय में। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम, ये है 18 × 40 × 30 × 36। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि शून्य का निर्माण किससे होता है। तो शून्य का निर्माण दोस्तों 2 और 5 से मिलकर होता है। हर कहीं 2 छुपा हुआ जरूर है होगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले करेंगे क्या, 18 को बहुत ही छोटे छोटे पदों में तोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने तोड़ रखा है इसे 2 × 3 × 3, ऐसे ही इसे 40 को तोड़ रखा है 2 × 2 × 2 × 5, और ऐसे 30 को तोड़ रखा है 2 × 3 × 5, और ऐसे हम 36 को तोड़ेंगे 2 × 2 × 3 × 3। तो दोस्तों, हम बस यहाँ एक चीज नोट करेंगे, 2 या 5 से मिलकर शून्य तो बनती है, लेकिन इनमें से जिसकी संख्या कम होगी तो हम यहाँ पर गिनेंगे 2 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 तो 7 हैं, लेकिन 5 कितने हैं, 5 और गिनते हैं, 1 और 1 2, यानी कि 2 5 हैं। तो जिनकी संख्या सबसे कम होगी उतनी ही अंत में शून्य हो जाएंगे, तो इसके अंत में 2 शून्य हो जाएंगे। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। कभी क्वेश्चन में ये बोलेगा भाई, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की आपस में गुणा करने पर शून्यों की संख्या अंत में कितनी होगी, तो हम उसे कैसे निकालेंगे। बस अंत वाली संख्या जो तुम्हें दी जाएगी वो उठा लेनी है आपको। जैसे कि यहाँ 100 दी हुई है, 100 उठा ली, और उसे बस 5 से भाग देना है आपको। 5 से भाग देने के बाद में यहाँ भागफल 20 आया। और एक चीज और याद रखनी है आपको, भागफल हमेशा 5 से छोटा होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर भागफल 20 आया, तो इस भागफल को फिर हम दोबारा से 5 से भाग देंगे। तो जाहिर सी बात है, 20 0 तो 1 हो गई, और फिर इस 20 को हम 5 से भाग और देंगे, 4 0 और बन जाएंगी। तो कुल मिलाकर 100 तक की संख्याओं की आपस में गुणा करने पर 24 0 होंगी। ऐसे यहाँ दूसरा दिया हुआ है, 1 × 2 × 3 × 4 और × 199 × 200, यानी कि 200 तक की संख्याओं की आपस में गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों, इसे कैसे निकालेंगे, बस लास्ट वाला अंक उठाओ, यहाँ पे 200 है, और उसे 5 से भाग दो दोस्तों, 40, यानी कि 40 0 तो 1 हो गई है आपकी। फिर ये 40, क्योंकि हमने बोला था भाई भागफल 5 से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 40 है, तो हम इस भागफल को फिर से 5 से भाग देंगे। 5 से भाग दिया, फिर 8 आ गया, तो 40 1 हो गई, 8 1 हो गई, यानी 48 0 अभी तक हो चुकी है, लेकिन भागफल हमारा अब भी 5 से ऊपर है। तो दोस्तों, हम फिर इसे एक बार फिर भाग देंगे, और अब की बार भागफल 1 आया, यानी 5 से छोटा, तो 1 0 और ऐड हो जाएगी, तो अंत में 49 0 हो जाएगी 200 तक की संख्याओं की आपस में गुणा करने पर। तो 2 और 5 से मिलकर शून्य बनती है। बस इसी ये ही चीज देखनी है,